एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने की पकड़ के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनपान के लिए माँ और शिशु के लिए स्तन के सही पकड़ को चुनना, स्तनपान से पहले माँ की तैयारी और एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने का पूरा तरीका। आइए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में माएँ कई तरह से शिशुओं को स्तनपान कराती हैं। जैसा कि एक पहले ट्यूटोरियल में बताया गया है, माँ और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें माँ और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले, माँ के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूध मिले। आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसमें एक तरफ लेटकर स्तनपान कराया जाता है। इस पकड़ को तभी सुझाया जाता है अगर माँ रात को स्तनपान करा रही हो या फिर माँ का प्रसव के लिए ऑपरेशन किया हो या अगर माँ थकी हो। स्तनपान से पहले माँ को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्तनपान कराती माओं में तकरीबन 750 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, इसीलिए उन्हें रोज ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर माँ को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिससे वह दूध पिलाएगी। ध्यान दें कि अपनी ब्रा या ब्लाउज का दबाव स्तन पर ना डालें। अब माँ को उस स्तन की तरफ आराम से लेटना चाहिए जिससे वह पिलाने वाली हो। अपने सर के नीचे उसे तकिया रखना चाहिए और अपनी टांगों के बीच में भी, ताकि वह नींद में लुढ़क न जाए। इस चित्र में माँ शिशु को अपने दाएं स्तन से दूध पिलाएगी, इसीलिए वह अपने दाएं तरफ लेटी है। अगला हम सीखेंगे कैसे शिशु के शरीर को सही स्थिति में रखें। शिशु को एक तरफ इस तरह लिटाएं कि उसका पेट हल्के से माँ के शरीर से दबे और माँ जिस तरफ लेटी हो उसी हाथ से शिशु के पीठ को सहारा दे। इस चित्र में माँ ने शिशु के पीठ को दाएं हाथ से सहारा दिया हुआ है। शिशु को अपने और करीब रखने के लिए माँ उसकी पीठ के पीछे एक तकिया रख सकती है। दोनों के शरीर के बीच में कम फासले की वजह से शिशु को माँ के स्तन तक पहुँचने में कम कोशिश करनी होगी, इसीलिए शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी। याद रखें, माँ को अपनी पीठ झुकाकर शिशु के मुंह तक स्तन नहीं ले जाना चाहिए। इससे शिशु के पेट और माँ के शरीर के बीच की दूरी बढ़ेगी। उसे अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को स्तन पर लाना चाहिए। ध्यान देने वाली दूसरी जरूरी बात है कि शिशु के पूरे शरीर को किस तरह पकड़ा गया है। आपने देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं। उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्तनपान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए। इससे शिशु के लिए दूध निगलना आसान होगा। अब हम शिशु के शरीर की स्थिति के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है माँ को अपने हाथ से शिशु के शरीर को सहारा देना चाहिए, नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति। शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सीध में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब। इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का ज्यादा भाग मुंह में ले पाएगा और अपने निचले जबड़े से अच्छे से ज्यादा दूध पी पाएगा। याद रखें, एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। शिशु को सही स्थिति में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए। अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से माँ को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए। इस चित्र में माँ अपने बाएं हाथ से अपना दायां स्तन पकड़ेगी।
स्तन को पकड़ने वाली उंगलियां हमेशा शिशु के होंठों की दिशा में होने चाहिए। क्यों? आइए समझें इस उदाहरण से। जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं, तो हमारे होंठ आड़े खुलते हैं। हम वड़ा पाव या बर्गर को आड़ा इसीलिए पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं। यहाँ अंगूठा और उंगलियां होंठों की दिशा में हैं। अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें, तो हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे। उसी तरह शिशु के होंठों की दिशा देखिए, उसके होंठ आड़े हैं। इसीलिए उंगलियों और अंगूठों की स्थिति स्तन पर आड़ी होनी चाहिए। इससे शिशु को अपने मुंह में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा माँ का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मुंह की दिशा में होने के साथ साथ निप्पल से 3 उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए। अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मुंह के करीब रखेंगे, तो हमारी उंगलियों की वजह से हम उसका बड़ा हिस्सा मुंह में नहीं ले पाएंगे, और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वजह से मुंह में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम उसे सही दूरी पर रखकर उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएंगे। उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निप्पल से 3 उंगलियां हैं। इस दूरी से माँ की उंगलियां शिशु को अपने मुंह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी, और माँ सिर्फ निप्पल को नहीं दबाएगी, जिस वजह से बहुत कम दूध निकलेगा। माँ एरियोला के नीचे के दूध की बड़ी नलियों को दबाएगी, जिससे ज्यादा दूध निकलेगा, और स्तन को सही तरह पकड़ेगी ताकि शिशु स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा। एक और बात वड़ा पाव या बर्गर के उदाहरण की बात करते हैं। वड़ा पाव या बर्गर को सही तरह पकड़कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका एक बड़ा हिस्सा मुंह में ले पाएं। ठीक उसी तरह माँ को भी स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़कर हल्के से दबाना चाहिए। इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मुंह में लेने में मदद मिलेगी। पर याद रहे, माँ को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़कर नहीं दबाना चाहिए। स्तन को कैंची के आकार में पकड़कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और निप्पल से स्तनपान होगा। ध्यान दें कि स्तन अंगूठे और उंगलियों से एक समान दबे, नहीं तो निप्पल ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा और शिशु स्तन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा। अब शिशु एक तरफ लेटकर स्तनपान कराने के लिए पकड़ा गया है और स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है। स्तन से शिशु का सही जुड़ाव इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। जैसे ही शिशु स्तन से गहराई से जुड़ जाता है, तब माँ स्तन से अपना हाथ हटा सकती है। उसे इस हाथ से शिशु की पीठ को सहारा देकर उसे करीब रखना चाहिए और उसे अपना दूसरा हाथ शिशु की पीठ से हटाकर 90° में अपने शरीर के साथ रखना चाहिए। अपनी कोहनी को मोड़कर उसे वो हाथ तकिए के नीचे रखना चाहिए। इस चित्र में दिखाए जाने वाली माँ ने अपने दाएं स्तन को बाएं हाथ से छोड़ दिया है। अपने बाएं हाथ से उसने शिशु की पीठ को पकड़कर अपने करीब रखा है और दाएं हाथ को शिशु की पीठ से हटा लिया है। उस हाथ को 90° में अपने शरीर के पास रखा है। उसकी दाएं कोहनी मुड़ी हुई है और दायां हाथ तकिए के नीचे है। पहले स्तन से पिलाने के बाद अगर माँ को दूसरे स्तन से पिलाना हो, तो उसे दूसरी तरफ लेटना पड़ेगा। इस चित्र में माँ अपने बाईं ओर लेटी है ताकि बाएं स्तन से पिला पाए। यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।